Hello viewers welcome to my channel Priya Gulati Maths today i am going to teach you the topic rational numbers and their decimal expansions from your chapter real numbers and after doing this topic i will make you to understand theorem 1.6 and theorem 1.7 of your book now what is the meaning of rational numbers and their decimal expansion understand with the help of this example look at this rational number 50 upon 10 is a rational number if i divide 50 divided by 10 i will get the answer as 5 so this 5.0 is called as the decimal expansion of rational number 50 upon 10 similarly if i divide 1 upon 2 1 upon 2 is a rational number if I divide it, I will get the answer as 0.5. So, this 0.5 is called as the decimal expansion of rational number 1 upon 2. Similarly, 0.75 is called as the decimal expansion of rational number 3 upon 4. Now, if I divide 10 upon 3, you will get the answer as 3.333. This 333 will keep on repeating. So, we put dash 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 for it. So, this you have un understood in your 9th standard also. I can write it as 3.3 bar. Bar means this digit 3 is going on repeating. So, what do I get if I divide 10 upon 3? I will get it 3.333 dash dash dash. Or we write it also as 3.3 bar. So, this 3.3 bar is called as the decimal expansion of rational number 10 upon 3. So, this exactly we mean by decimal expansion of a rational number. Now, let us come back to our topic. The topic is rational numbers and their decimal expansion. Now, look at there are two points for this. The decimal expansion of any rational number can be. There are two types of decimal expansion. Number one is either terminating decimal expansion. What do you mean by terminating decimal expansion? That if I divide, I will get the remainder as 0. That I will make you understand with the help of examples. सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन वॉट यू विल सी वैन आई डिवाइड आई विल गेट रिमाइंडर विल नेवर बी जीरो लाइक दिस सो लेट एस अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन सो वॉट इज दिस फर्स्ट पॉइंट ईदर टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन फॉर दिस कम टू दिस एग्जाम्पल द रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई से थ्री अपॉन एट थ्री अपॉन एट इज अ राशन नंबर राइट सो दिस थ्री अपॉन एट को वट आई विल डू द डिनोमिनेटर के आई विल ट्राई टू मेक द फैक्टर्स वट आर द फैक्टर्स ऑफ इंटू टू इंटू टू सो दैट आई कैन राइट एज टू टू द पावर थ्री राइट नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है चिल्ड्रन आप आप चीज देखिए एक जो टैन होता है वी विल ट्राई टू ब्रिंग टेन इन द डिनोमिनेटर पावर ऑफ टेन इन द डिनोमिनेटर सो फॉर दैट अंडरस्टैंड दिस टेन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एक टू होता, होता है और एक फाइव होता है इट मीन्स दैट आई कैन राइट टेन एज टू इंटू फाइव सो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में टू टू द पावर थ्री आया इसको डिनोमिनेटर को वी विल ट्राई टू मेक इट एज अ पावर ऑफ टेन तो उसके लिए वॉट आई नीड आई नीड सम फाइव ऑल्सो बिकॉज टू इंटू फाइव गिवज यू टेन सो अब आप देखिए इसमें कितनी पावर आप देख रहे हो टू की थ्री देख रहे हो सो वट आई विल डू आई विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाई फाइव और वही पावर आपको ऊपर डाल देना है फाइव का जो आपको टू का यहाँ पर दिख रहा है राइट सो इफ आई मल्टीप्लाई द डिनिनेटर बाय फाइव टू द पावर थ्री आई विल हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमेटर ऑल्सो बाय फाइव टू द पावर थ्री सो डेट आई एम नॉट डूइंग एनी चेंज इन दिस एक्सप्रेशन सो नेक्स्ट स्टेप में वाट यू विल डू अब आप देखिए डिनोमिनेटर में अपलाई द रूल ऑफ एक्सपोन द बेसिस आर डिफरेंट पावर्स आर सेम सो आई कैन राइट बोथ द बेसिस एज टू इन आर होल ब्रैकेट लगा के आई विल राइट थ्री एज

पावर ऑफ टेन इन द डिनोमिनेटर तो हमारा ये जो फाइव से मल्टीप्लाई करने का जो बेसिक पर्पज था वो यही था कि हम डिनोमिनेटर में टेन टू द पावर ऑफ सम नंबर होल नंबर को हमको लेके आना था जो आपका यहाँ पर टेन टू पावर थ्री हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में आई कैन राइट दिस टेन टू पावर थ्री एज थाउजेंड तो दिस बिकम थ्री सेवेंटी फाइव अपन थाउजेंड तो वट विल गेट देर आर थ्री डेसिमल सॉरी थ्री जीरोज आर देयर इन द डिनोमिनेटर सो जस्ट डू द शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल एज यू हैव लर्न इन योर लोअर क्लासेज सो थ्री प्लेसेज वन टू थ्री यू विल शिफ्ट द डेसिमल टू डिप्लेस सो वट आई हैव स्टार्ट फ्रॉम थ्री अपॉइन एट थ्री अपॉइन एट वॉज योर रैशनल नंबर हमने जब इसको विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन इसका पूरा प्रोसेस कैरी आउट करा तो वट आई आम गेटिंग द आंसर है जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव मीन्स ये जो आंसर आपका आया है यह डिवाइड होने के बाद आया जहां पर आपका रिमाइंडर आ गया जीरो तो इसी को हम क्या बोलते हैं रेसनल नंबर हैविंग टर्मीनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है जहां पर आपका डिवीजन स्टॉप हो जाता है मीनस जैसे मैंने आपको एक्जाम्पल बताया आप इससे देख लीजिए यहां पर आपका डिवीजन स्टॉप हो गया था मीस डिजन टर्मीनेट हो

आई सी द बी इज इन दम ऑफ पावर ऑफ टेन राइट तो इसी वजह से हमको यहां पर मल्टीपल्स ऑफ टेन का एक्सप्रेशन मिल गया डोनामिनेटर में विच इज था सो यू डू जस्ट कीप ऑन डूइंग द शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जीरो सो आई गेट द आंसर एज पॉइंट थ्री सेवन फाइव सो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमर एक्सपेंशन राइट अनदर एक्साम्पल यू लुक एट

टू का होगा वो हमने सेम लगाना जो हमको फाइव के ऊपर दिख रहा है फाइव का पावर क्या है थ्री हैव टू मल्टीप्लाई बाय टू टू द पावर थ्री

This is called as a

पावर्स ऑफ बोथ टू एंड फाइव सेम पर ऑलरेडी वन पावर हैल्टीप्लाई न्यूमरेटर थ्री एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो बाई इन टू फाइव टू द पावर थ्री वो थ्री प्लस वन करके आपको फाइव टू दावर फोर मिल जाएगा राइट एक्सपोनेंट के रूल्स लगा करके तो अब आप देखिए डिनोमिनेटर में द बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम तो अप्लाई द एक्सपोनेंट रूल ये तो आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे यू विल गेट इट एज एट सेवेंटी फाइव अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाए आपका टेन टू द पावर फोर सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन टेन टू पावर फोर देर आर फोर जीरोज तो आपको सिंपली विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिविजन शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड सो आई विल गेट वन टू थ्री फोर एंड पुट डेसीमल हेयर सो यू आट यू गेट द आंसर एज जीरो पॉइंट जीरो एट सेवन फाइव तो इस जीरो पॉइंट जीरो एट सेवन फाइव को हम क्या बोलते हैं दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशन नंबर सेवन अपॉन एटी एंड वॉट टाइप ऑफ डेसीमल एक्सपेंशन इट इज इट इज अ टर्मीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर सेवन अपॉन एटी यही हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन यहाँ पर आपका रिमाइंडर हो जाता है जीरो राइट लुक एट अनादर एग्जाम्पल फोर्टीन फाइव डबल एट अपॉन सिक्स ट्वेंटी फाइव अब फोटीन फाइव डबल एट के आपने फैक्टर्स बनाए ये कुछ इस तरह से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे ये तो आप अपना बना सकते हैं सिमिलरली डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन जाएंगे फाइव टू द पावर फोर अब आपने क्या करना है डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए अब आप यहाँ पे देखिए फाइव फैक्टर आपको मिल रहा है टू नहीं मिल रहा है तो व्हाट आई विल डू फ्रॉम माय ओन साइड आई विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय टू और पावर आपको वही लगानी है जो आपको फाइव की पावर दिख रही है आपको फोर है यहाँ पे फाइव की पावर सो आई विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय टू पावर फोर सो इफ आई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय टू पावर फोर आई विल हैव टू मल्टीप्लाई द दिमिनेटर ऑल्सो बाय टू टू द पावर फोर सो टू टू दावर टू इंटू टू टू द पावर फोर विल गिव गिवी टू टू द पावर सिक्स राइट एक्सपोनेंट का रूल और ये आपके एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो न्यूमरेटर के तो आप सारे मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में यू विल गेट दिसमरेटर डिनोमिनेटर पर आ जाइए दिस इज बेसिस आर डिट पावर टू दावर फोर सो डोमिनेटर बिकमर फोर हाउ तो आपको बस सब सिंपली शिफ्टिंग करनी है कितनी शिफ्टिंग करनी है टू लेफ्ट साइड फोर डिजिट्स की तो वन टू थ्री फोर तो यहां पर आ गया आपका डेसिमल सो दिस आई विल राइट इट एज ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री फोर जीरो एट वट इज दिस कॉल्ड एज दिस इट सेल्फ इज कॉल्ड एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिस वन ये बड़ा सा जो रैशनल नंबर है ठीक है अब जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं इनमें क्या हो रहा था कि सब में रिमाइंडर विल कम आउट टू बी जीरो मीन्स आई वांट टू से दैट इवन इफ यू डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन यू विल फाइंड इन द एंड द रिमाइंडर विल कम आउट टू बी जीरो और आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपको यही वाला आंसर्स ला के दे देगा बट विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन वी आर फॉलोइंग इट बाय विच मैथड बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर एज पावर ऑफ टेन Right, so what do you see common in these four examples? So I write it like this: In these examples, we have converted the rational number of the form p upon q in the form a upon b. This is your p upon q, and this is your a upon b form, where b is a power of 10. Look, b is a power of 10, b is a power of 10.

राइट सो दिस वार एग्जाम्पल अब इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड आपका एक थेरम है जिसको हम बोलते हैं थेरम वन पॉइंट सिक्स आपकी बुक में है तो इसको हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं कि इफ पी अपन क्यू इज अ टर्मिनेटिंग राशन नंबर ये मैंने आपको बहुत ईजी फॉर्म में थियोरम लिखा है आपकी बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर में दिया मैनर में दे रखा है सो अंडरस्टैंड इंग वेरी इजिली फ्राम विद द हेल्प ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट दिस से इज दट इफ पी अपन क्यू इज़ अर टर्मिनेटिंग रेशन नंबर अभी मैंने आपको जितने hmm. भी एग्जाम्पल्स दिए वह टर्मिनेटिंग राशनल नंबर के थे उसी से आप थेरम को टैली कीजिए इफ पी अपन क्यू इज़ आर टर्मिनेटिंग राशन नंबर दन प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म टू टू द पावर एन इन टू फाइव टू द पावर एम वेयर एन कॉमा एम आर होल नंबर्स इसका मतलब क्या चिल्ड्रन अभी इसे एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले, ले लेती हूँ मैं सेवन अपॉन एटी वाला ले लीजिए वॉट यू वेट ये आपका पी अपन क्यू है इट इज़ अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आई गया था आपका तो इसमें आपने क्या फाइन करा जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन थे क्यू के क्यू के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो ये कौन सी फॉर्म में आए आप ये देखिए टू टू द पावर फोर इंटू फाइव टू द पावर फोर ये टू और फाइव क्या है दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू क्यू इज योर डिनोमिनेटर ये देखिए आप कौन सी फॉर्म में आ रहा है टू टू द पावर फोर इंटू फाइव टू द पावर फोर यहाँ पर एन ये फोर क्या है दिस इज द होल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो होल नंबर तो जो एन और एम है ये आपके होल uh, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल ये थ्री एंड थ्री आर अगेन होल नंबर सो वट यू सी कॉमन इन ऑल दिस एग्जाम्पल जो आपका डिनोमिनेटर था वो इस फॉर्म में था टू टू द पावर एन इंटू फाइव टू द पावर एम वेर एन एम आर आर होल नंबर इन ऑल दीज फॉर एग्जाम्पल्स इफ यू अगेन ट्राई टू लू कॉल ऑल द एग्जाम्पल द डिनोनेटर ऑफ दिस फार्म तो अगर आपको किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमेटर इस फॉर्म का मिल जाता है देन बी सेट दैट रैनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग राशनल नंबर राइट सो दिस इज योर थियर वन पॉइंट सिक्स ये आपका था फर्स्ट कैटेगरी वाला डेसिमल एक्सपेंशन का मैं आप दोबारा दिखा देती हूँ ये मैंने दो पॉइंट्स के लिखे थे ये फर्स्ट वाला आपका भी होगा एक्सप्लेनेशन लेटस्ट कम टू द सेकेंड वन

तो यू विल गेट द आंसर एज थ्री पॉइंट थ्री 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 डैश 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 जिसको आपने ऑलरेडी सीखा हुआ नाइन्थ स्टैंडर्ड में आई कैन राइट इट एज थ्री पॉइंट थ्री के ऊपर बार जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर हम बार लगाते हैं जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन इसमें आप देखिए वन फोर टू एट फाइव सेवन ये रिपीट होता जा रहा है कितने डिजिट्स हैं इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिजिट्स हैं सो वट आई विल राइट इन द बार फॉर्म आई कैन राइट दिस जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन तो ये रिपीटिंग हो रहा है राइट तो इस तरह के अभी आप एक तो रिपीटिंग चल रहा है दूसरा आप क्या पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा ये दाश, 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 ये दाश, 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 ये डैश 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 देखिए चलता चलता ही चलता ही रहेगा रहेगा कभी खत्म नहीं होएगा तो इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग राइट और रिपीटिंग इसलिए बोलते हैं इसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट होते जाते हैं जैसे इस पर एग्जाम्पल में एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है थ्री 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 इसमें कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार सिक्स डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो वही सिक्स डिजिट्स के ऊपर हमने लगा देना होता है बार ठीक है ये थोड़ा सा आपने नाइन्थ में भी सीखा है. तो इस टाइप के जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे टेन थ्री सेवन जिनके आंसर्स में आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो वॉट यू सी इन दिस एग्जाम्पल आई राइट इट लाइक दिस इन दिस एग्जाम्पल वी सी डेट द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर वन सेवन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन ठीक है तो ये एग्जाम्पल आपके किसके हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले तो इन एग्जाम्पल के बेसिस पे आप अंडरस्टैंड कीजिए थ्योरम पॉइंट सेवन डज डाज इट सेज इफ पी अपॉन क्यू आपका पी अपॉन क्यू क्या है यहां पर वन अपॉन सेवन टेन अपॉन सेवन सो इफ पी अपॉन क्यू इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग राशन नंबर ऑफ क्यू विल नॉट बी ऑफ द फॉर्म पावर एन इंटू फाइव पावर एम वेर एन एन एम आर होल पढ़ी थी as it is, ये एज इट इज ये विल नॉट लगा देना है बीच में उसमें क्या था इट इज ऑफ दिस फॉर्म पावर एम इसमें क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में इट इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म तो अब आप, आप कैसे चेक कर सकते हो जैसे आप यहां पे डिनोमिनेटर देखिए थ्री है थ्री को मैं कभी भी टू इंटू फाइव की फॉर्म में नहीं लिख सकती क्योंकि थ्री के फैक्टर्स ना तो टू होता है ना फाइव होता है सिमिलरली सेवन को भी मैं